दोस्तों अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि तआला बरकातहू। हमारे साथ एक छोटा सा प्यारा सा एक बच्चा है और पढ़ने वाला बच्चा है, मदरसे में भी पढ़ाई करता है और स्कूल में भी पढ़ाई करता है। तो आइए इन बच्चे से कुछ दीनी और मजहबी बातें हम सबको मिलकर समात फरमाते हैं। सबको अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। शान तो सबकी मगर ऐसी शान थोड़ी है, मेरे नबी के जैसा किसी का मकान थोड़ी है। यहाँ हुकूमत चलती है मेरे ख्वाजा की, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। अली के बेटे फातिमा के लाल देते हैं, बिन मांगे झोली में डाल देते हैं। मेरे अल्लाह ने गौसे आजम को ये मर्तबा दिया, कब्र से मुर्दों को जिंदा बाहर निकाल देते हैं, कब्र से मुर्दों को जिंदा बाहर निकाल देते हैं। अब नात पयंबर की अदा कौन करेगा, अब नात पयंबर की अदा कौन करेगा, आशिक न करेगा तो भला कौन करेगा, आशिक न करेगा तो भला कौन करेगा। या रब मेरे माँ बाप की तो उम्र बढ़ा दे, वरना मेरे जीने की दुआ कौन करेगा, वरना मेरे जीने की दुआ कौन करेगा। माँ बाप से जीने की दुआ लेते हैं सब लोग, हिरनी ने बच्चों से कहा दूध पिला कर, आका न करेंगे तो रिहा कौन करेगा, आका न करेंगे तो रिहा कौन करेगा। अली के लाल ने हलचल सी मचा के रखी है, जमीने करबो बला हिला के रखी है। एक हुसैन के दूध पीते नन्हे सिपाही ने यजीदी फौज की धज्जियां उड़ा के रखी है, यजीदी फौज की धज्जियां उड़ा के रखी है। कुछ ही वक्त में नबी का परवाना निकल गया, देखते ही देखते इंडिया से मदीना निकल गया। जब पड़ा अंग्रेजों ने कलमा, अबू जहल के माथे से पसीना निकल गया, अबू जहल के माथे से पसीना निकल गया।